लेकिन कहीं लोग ग्रह से पीड़ित रहते हैं, किसी को राहु की पीड़ा, किसी को शनि, किसी को मंगल। तो ग्रह पीड़ा में से मुक्त होने के लिए इस ग्रह के मंत्र का जाप करना पड़ता है। आप नहीं कर सकते तो विद्वानों के पास आप करा सकते, आपके कुल गुरु के पास, कुल गौर के पास, हमारे कुल का ब्राह्मण, हमारे कुल का आचार्य, हमारा जो कुल परंपरा का कर्मकांड पूजा पाठ करते हैं उसके पास से हम कराते हैं कि ये ग्रह मंत्र जाप करिए। लेकिन इस ग्रह का मंत्र जाप आपको नहीं कंठस्थ है तो इस ग्रह के मंत्र के बदले में आप पंचाक्षर मंत्र का जाप करें तो ग्रह पीड़ा शांत हो जाएगी। क्यों भाई? सभी ग्रहों के मंत्र का जन्मस्थान पंचाक्षर मंत्र है, सभी ग्रहों का प्रागट्य स्थान पंचाक्षर मंत्र है, इसलिए सभी ग्रहों की शांति के लिए पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। जीवन में सभी शांति और संपत्ति को प्राप्त करने के लिए पंचाक्षर मंत्र का आश्रय करना चाहिए। और आपका स्वयं का रोज मंगल करना चाहते हैं तो पंचाक्षर मंत्र का ही जाप करें, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं।